फिल्म की शुरुआत में हम एमा नाम की एक महिला को देखते हैं जो मोना के लिए काम करती है। वो अपने कमरे में बैठी उस समय को याद करते हुए रो रही होती है जब कुछ साल पहले गॉडजिला और टाइटंस के बीच लड़ाई हुई थी, जिस भयानक लड़ाई में उसने अपने बेटे को खो दिया था। और अब वो अपने पति से झगड़े के कारण अपनी बेटी मैडी के साथ अलग रहती है। पर अब एमा जब अपनी बेटी के साथ नाश्ता कर रही होती कि तभी वहाँ भूकंप आने लगता है, क्योंकि जिस फैसिलिटी में वो है वहाँ एक टाइटन को रखा गया है जो कुकुन से बाहर आने वाला है। इसलिए एमा अपनी बेटी के साथ वहाँ आ जाती है, जहाँ फिर उस कुकून के अंदर से तितली जैसा एक बड़ा लार्वा बाहर निकलता है जो कि एक टाइटन है। लेकिन वो इतने सारे लोगों को आसपास देखकर एकदम घबरा जाती है और गुस्से में सभी पर हमला करने लगती है। तब एमा अपने द्वारा बनाई गई डिवाइस से वहाँ अजीब म्यूजिक वेव्स फैलाने लगती है जो कि ऐसे वेव्स है कि वो किसी भी टाइटन को शांत कर सकती थी, और उस वेव्स के कारण वो तितली भी शांत हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ एलन नाम का आदमी आ जाता है जो सारे साइंटिस्ट पर हमला करके उनकी हत्या कर देता है, क्योंकि वो एक ऐसे ग्रुप के लिए काम करता है जिसका मानना है कि हर मुसीबत की असल वजह इंसान है। साथ ही मोनार्क वाले टाइटन्स को बंदी बनाकर गलत कर रहे हैं, उन्हें आजाद कर देना चाहिए ताकि वो अपनी दुनिया वापिस ले सके जो इंसानों ने उनसे छीन ली। इसलिए एलन सभी को मारने के बाद एमा और मैडी को भी बंदी बनाकर वहाँ से ले जाता है। अब हम एमा के पति मार्क को देखते हैं, जिसके पास मोनार्क से कुछ लोग आकर उसे खबर करते हैं कि एलन एमा और मैडी को बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो हमें वो म्यूजिक वाला डिवाइस लाकर दो, क्योंकि एलन उस डिवाइस को भी अपने साथ ले गया है, और अगर वो डिवाइस मिल गया तो तुम्हारी पत्नी और बेटी भी मिल जाएंगे। जो सुनकर मां घबरा जाता है क्योंकि वो पहले भी मोना के लिए काम करता था और अपने बेटे को खोने के बाद उसने मोना के साथ काम करना बंद कर दिया। पर फिर भी एमा और मैडी के कारण वो उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ एलन मैडी और एमा को मोना के दूसरे बेस पर लेकर आता है ताकि वो वहाँ के टाइटन को आजाद कर सके जो बहुत ही विशाल और खतरनाक तीन सर वाला ड्रैगन है। तब एमा उस ड्रैगन को आजाद करने के काम पर लग जाती है, पर तभी मार्क और बाकियों को उनके बेस से गॉडजिला का सिग्नल मिलता है जो उनकी ही तरफ बढ़ रहा था, जिससे वो सभी घबरा जाते हैं क्योंकि पिछले कई सालों से गॉडजिला का नामो निशान नहीं था। पर अब अचानक उसके आने का सिग्नल मिलना उसके पीछे जरूर कोई वजह थी, इसलिए सभी उस पर हमले की तैयारी शुरू कर देते। लेकिन मार्क उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसका दुश्मन बनना हमारे लिए बहुत बड़ी गलती होगी, हमें उसे बताना होगा कि हम उसके दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है, ताकि बाकी टाइटन से लड़ने में वो हमारी मदद कर सके। इसलिए मार्क बेस की शील्ड हटा देता है, जहां अब सामने वो विशाल गॉडजिला खड़ा होता है जो मार्क की आंख से आंख मिलाकर वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो ड्रैगन आजाद होने वाला है जो खुद अगला राजा बनने की कोशिश करेगा। यही वजह थी कि गॉडजिला को वापिस आना पड़ा। तब सारे लोग ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि गॉडजिला कहाँ जा रहा है, इसलिए सभी उसके पीछे निकल जाते हैं। आप गॉडजिला का पीछा करते हुए मार्क और बाकी मोना के उस बेस पर जा पहुंचते हैं जहाँ वो ड्रैगन है। तब मार्क को वहाँ एमा और मैडी दिखाई देती है जिसे वो अपने साथ चलने को कहता है। लेकिन अब हमें पता चलता है कि एमा एलन के साथ ही मिली हुई है जो उसके साथ मिलकर सारे टाइटन्स को आजाद करवाना चाहती है, जो जानकर मार्क भी दंग रह जाता है। तब एमा तीन सर वाले ड्रैगन को आजाद कर देती है जो काफी भयानक दिखाई दे रहा था, लेकिन वो आजाद होते ही सारे लोगों पर हमला कर देता है जिसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता। इसलिए अब एमा मैडी को लिए एलन के साथ वहां से चली जाती है और बेचारा मार्क वहीं फंस जाता है, जो देखकर मैडी को काफी बुरा लगता है। इधर ड्रैगन जैसे ही मार्क और बाकी पर हमला करके उन्हें खत्म करने वाला होता है कि सही समय पर वहाँ गॉडजिला आ जाता है जो उससे लड़ना शुरू कर देता है, और इसमें ड्रैगन ज्यादा शक्तिशाली होता है जो अपने रेडिएशन से गॉडजिला पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। दरअसल सारे टाइटन्स को रेडिएशन से शक्ति मिलती है, और अगर उन पर न्यूक्लियर मिसाइल से हमला किया जाए तो वो मरने के बजाय और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। वहीं ड्रैगन के हमले से गॉडजिला बुरी तरह से घायल हो जाता है। तब वहाँ मोना के फाइटर प्लेन आकर ड्रैगन पर हमला शुरू कर देते, इसलिए अब ड्रैगन वहाँ से भाग निकलता है। अब बेस पर आने के बाद एमा मार्क और बाकियों को वीडियो कॉल के जरिए बताती है कि ये तो बस शुरुआत है, मैं दुनिया के सारे टाइटन्स को आजाद कर दूंगी क्योंकि ये दुनिया उनकी ही है। लेकिन सभी कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इंसानों का खात्मा हो जाएगा,
पर वो जवाब देती कि पहले भी इंसान और टाइटन एक साथ रहा करते थे, जो टाइटन्स को अपना भगवान मानते थे, इसलिए हमें भी यही करना होगा, जो जानकर सारे लोग घबरा जाते कि एमा पागल हो चुकी है। तब एमा एक और टाइटन को आजाद कर देती है जो ज्वालामुखी से निकलता है और फिर सारे लोगों पर हमला करते हुए आसपास तबाही मचाने लगता है। लेकिन जैसे तैसे मोनार्क उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करके उसे ड्रैगन के सामने ले आते, जहां वो ड्रैगन उसे आसानी से हरा देता है। जिसके बाद वो जैसे ही मार्क और बाकियों के प्लेन पर हमला करने वाला होता है कि तभी वहां पर गॉडज़िला आकर उस पर हमला कर देता है। तब मिलिट्री मार्क और बाकियों से कहती है कि जल्दी से वो जगह खाली कर दो, हम एक खतरनाक मिसाइल ड्रैगन पर दागने वाले जिससे वो मारा जाएगा। जो इतना कहते ही मिलिट्री वाले ड्रैगन पर मिसाइल छोड़ देते, तो वही सही समय पर मार्क और बाकी वहां से दूर आ चुके थे। लेकिन ये मिसाइल दुर्भाग्य से ड्रैगन को लगने के बजाय गॉडज़िला को ही लग जाती है, जिससे वो और ज्यादा घायल हो जाता है। जिसकी बहुत भी ड्रैगन उड़ते हुए वहां से चला जाता है और तब उन्हें गॉडज़िला की सांसें बंद होते हुए दिखाई देती है, जो देखकर सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं कि अब दुनिया को ड्रैगन से कोई नहीं बचा सकता। इधर ड्रैगन अपनी शक्तियों से दुनिया भर के सभी टाइटन्स को आजाद कर देता है, जो हर जगह तबाही मचाने लगते हैं। दूसरी तरफ मार्क और बाकी को पता चलता है कि वो ड्रैगन पृथ्वी का नहीं बल्कि वो एक एलियन है, जिसकी हजारों साल से गॉडज़िला के साथ दुश्मनी है और वो दोनों भी कोई को राजा बनाने की कोशिश में लगे है। लेकिन अब गॉडज़िला के मरने के बाद ड्रैगन ही सारे टाइटन्स का राजा बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ वो तितली वाली टाइटन अजीब सिग्नल निकालने लगती है, जो देखकर सारे लोग दंग रह जाते हैं। इसलिए वो सभी तुरंत उस सिग्नल की जानकारी निकालने लगते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो टाइटन गॉडज़िला से बातें कर रही है, जिसका गॉडज़िला भी जवाब दे रहा है, यानी कि वो अब भी जीवित है। दरअसल पहले गॉडज़िला टाइटन्स का राजा था और ये तितली वाली टाइटन उसकी रानी, इसलिए वो गॉडज़िला को होश में लाने की कोशिश कर रही है ताकि वो ड्रैगन को खत्म कर सके। अब उस सिग्नल का पीछा करते हुए मोना के लोग उस शहर पहुंच जाते हैं जहां गॉडज़िला है, और ये वही शहर है जहां गॉडज़िला राजा की तरह रहता था और सारे इंसान और टाइटन्स उसकी पूजा करते थे। तब उन्हें वहां गॉडज़िला दिखाई देता है, जो बहुत ही ज्यादा घायल था और आसपास की रेडिएशन से खुद को ठीक करने की कोशिश भी कर रहा था, और इतनी रेडिएशन से उसे ठीक होने में कम से कम एक साल लग जाएगा। लेकिन इतना समय उनके पास ना होने के कारण मार्क ये तय करता है कि एक न्यूक्लियर बम को गॉडज़िला के पास विस्फोट किया जाए ताकि उसके जरिए वो ठीक हो सके। पर ये काम बहुत ही ज्यादा खतरे वाला है, क्योंकि जो बॉम्ब लेकर जाएगा उसके पास सिर्फ 30 सेकंड होंगे बॉम्ब को गॉडज़िला के पास रखकर वापिस आने के लिए। लेकिन तब भी एक साइंटिस्ट इस काम को करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ मैडी ने एमा का साथ छोड़ दिया, क्योंकि एमा ने उसे कहा था कि इस काम में इंसानों और टाइटन्स दोनों की भलाई है। लेकिन जब उसे सच्चाई पता चली तो उसने एमा का साथ ही छोड़ दिया। साथ ही मैडी ने उस म्यूजिक वेव्स वाली मशीन को भी उससे ले लिया होता है, इसलिए वो मशीन चालू करके सारे टाइटन्स के हमले को रोकने की कोशिश करती है, जिसमें वो सफल भी रहती है और सारे टाइटन शांत हो जाते हैं, जो देखकर मैडी खुश हो जाती है। इधर वो साइंटिस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब को गॉडज़िला के पास रखकर उसे एक्टिवेट कर देता है, लेकिन वो यहाँ से जाने नहीं आया था क्योंकि उसे पता था कि 30 सेकंड में बाहर जाना असंभव है। इसलिए वो अपना बलिदान देते हुए गॉडज़िला से कहता है कि दुनिया को बचाना अब तुम्हारे हाथ में है, इसे बचा लो। जिसके इतना कहते ही बॉम्ब विस्फोट हो जाता है, जिससे वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके के रेडिएशन से गॉडज़िला बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिससे सारे लोगों के जान में जान आती है। लेकिन वो साइंटिस्ट के बलिदान के लिए भी उदास होते हैं। दूसरी तरफ उस ड्रैगन पर म्यूजिक वेव्स का कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि इससे उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो मैडी पर ही हमला करने लगता है, जिससे बचने के लिए अब वो वहां से भागने लगती है। लेकिन ड्रैगन के हमले से वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है, और तभी वहाँ गॉडज़िला आकर ड्रैगन से लड़ना शुरू कर देता है, जहाँ उन दोनों में इस बार काफी घमासान लड़ाई होती है। तो वहीं उस वेव्स को सुनकर मार्क मैडी के पास जाने लगता है, तब वहाँ एमा भी आ जाती है, क्योंकि जब मैडी उसे छोड़कर गई तब उसे एहसास हुआ कि वो गलत कर रही थी, इसलिए मार्क भी उसे माफ कर देता है। और अब दोनों मिलकर मैडी को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जो भाग्य से उन्हें मिल भी जाती है। इधर गॉडज़िला और ड्रैगन की लड़ाई में इस बार भी ड्रैगन भारी पड़कर गॉडज़िला पर खतरनाक हमला कर देता है। तब गॉडज़िला की मदद करने वहां तितली वाली टाइटन आ जाती है, जो ड्रैगन पर टूट पड़ती है, पर फिर तभी दूसरा टाइटन उससे लड़ना शुरू कर देता है।
वहीं ड्रैगन गॉडजिला को उड़ाते हुए बहुत ऊपर ले जाकर नीचे पटक देता है, जिससे गॉडजिला को काफी गहरी चोट लगती है और इस बार वो सच में मरने वाला होता है। जो देख कर अब तितली जैसी ड्रैगन से लड़ने जाती, वो ड्रैगन अपनी रेडिएशन से उस पर बहुत बुरा हमला कर देता है। तब तितली अपनी आखिरी समय में अपनी सारी शक्तियां गॉडजिला के अंदर डाल देती है ताकि वो ठीक हो जाए। तो वहीं वो ड्रैगन एमा और बाकियों के पीछे पड़ जाता है, इसलिए अब एमा म्यूजिक वेव्स वाली मशीन को चालू करके उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है और मार्क और मैडी को बचाने के लिए ड्रैगन को वहां से दूर ले जाती है। लेकिन ड्रैगन उस पर हमला करके बुरी तरह से घायल कर देता है, जिससे वो वहीं अपना दम तोड़ देती है, जो देखकर मैडी और मार्क एकदम दुखी हो जाते हैं। वहीं इधर गॉडजिला तितली की शक्तियों से पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है और अब अपने रेडिएशन से ऐसा हमला करता है कि ड्रैगन खुद को संभाल ही नहीं पाता। और फिर गॉडजिला लगातार कई सारे हमले करके ड्रैगन का खेल खत्म कर देता है, जिसकी मरते ही अब सारे टाइटन्स गॉडजिला को अपना नया राजा स्वीकार कर लेते हैं। और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।